बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण है हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि समुद्र तट पे कहीं कोई लाइट हाउस है और कितना ऊंचा है ये लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचा है, ये हमारे पास लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस हो गया, इसके शिखर से यहां से देखने पर ये हमारे पास समुद्र है, दो जहाज कहीं नजर आ रहे हैं और वो एक ही सिंध में है, इनके अवनमन कोण दिए हुए हैं इस तरह से कहीं, देखिए एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो हम अवनमन कोण बनते हैं। कितने डिग्री के दिए हुए हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब देखो आपको प्यारे बच्चों इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि 30 डिग्री किसको लें और 45 डिग्री किसको लें। आप ध्यान से देखें कि यहां से ऐसे आइए, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर हुआ, तो बढ़ता बढ़ता ये पूरे 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी कि इधर जब आ रहे हैं तो कोण बढ़ रहा है, तो इधर आ रहे हैं जब कोण बढ़ रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये हमारे पास 30 डिग्री का होगा और ये हमारे पास 45 डिग्री का होगा। लाइट हाउस की हमें ऊंचाई पता ही है, लाइट हाउस की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 75 मीटर है। हमें क्या निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जहाज हमारे पास एक यहां पे है और एक यहां पे है, पॉइंट्स दे अगर इनको ए बी सी डी, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, इसको हम कह देते हैं एक्स, और सी से बी तक की जो दूरी है उसको भी कोई नाम दे सकते हो आप, इसको एक्स माना है हमें, हमने तो इसको हम क्या मान लेते हैं वाई, और ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो हमें एक्स का मान निकालना है, हमें क्या निकालना है एक्स का मान, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम मान लेंगे कि माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लेते हैं एक्स मीटर, एक्स का मान निकालना है। अब आप देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हो, समकोण त्रिभुज एक तो एबीसी, एबीसी में इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब एबीसी में तो हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास ए बी और आधार बी सी, टेंजेंट थीटा, थीटा हमारा 45 डिग्री है, ए बी का मान हमारे पास 75 है, बी सी को हमने वाई माना है, टेंजेंट 45 एक होता है, तो आर पार जब गुना करेंगे तो वाई का मान आ गया 75। यानी कि अगर वो पूछता कि यहां से जो ये वाला जहाज है लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, तो 75 मीटर की दूरी पे है, ये भी हम वो पूछ सकता था। अब यहां से वाई का मान आ गया हमारे पास, एक मान तो आ गया, ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा समकोण त्रिभुज एबीडी में लंब है हमारे पास ए बी और आधार है हमारे पास बी डी, ये है हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री, ए बी का मान है हमारे पास 75, बी डी का मान है हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर है 1/3 टेंजेंट 30 डिग्री।
आर पार गुणा करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर है 75 वर्गमूल 3 21 के साथ और 21 के साथ। अब y का मान रख दो 75, x प्लस 75 बराबर है 75 वर्गमूल 3, तो x का मान आ जाएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75 और x आ जाएगा हमारे पास 75 कॉमन आ गया तो ये वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही डबल एंगल वाले क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर है 75 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर, ये आ जाएंगे हमारे पास। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अरे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि जो लड़की है वो 1.2 मीटर लंबी है और वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है, 88.2 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। उसके बाद होता है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 है, तो आकृति साथ में दी हुई है इसके, आप आकृति देख लें। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल के दौरान जब जो कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, अगर इसकी आकृति एक रफ आकृति हम यहां पे बना लें, तो एक जो लड़की है वो 1.2 मीटर लंबी है और वो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है जो कितनी ऊंचाई पर है। यहां पे मान लो यहां पे गुब्बारा है तो ये जो ऊंचाई है कितनी ऊपर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो जब गुब्बारा यहां पे है तो जो कोण बना है वो कितने डिग्री का कोण है, वो कोण है हमारे पास 60 डिग्री का। लेकिन कुछ समय बाद जो कोण है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पहले कोण 60 डिग्री का है तो पहले अब देखो कोण उन्नयन कोण यहां लड़की की आंख यहां पे है तो एक तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा हमारे गुब्बारे की पहली स्थिति। उसके बाद क्या हुआ, गुब्बारे की दूसरी स्थिति के लिए क्या आया हमारे पास, पहले कौन 60 डिग्री का था फिर 30 डिग्री का हो गया, यानी कि ये हमारा क्षैतिज स्तर हो गया, इसके हिसाब से बना लेंगे। तो ये हमारे पास जो कोण था वो 60 डिग्री का था, कुछ समय बाद गुब्बारा मान लो यहां पे आ गया, अब जो कोण बना क्षैतिज स्तर के साथ ये वाला, ये 30 डिग्री का, 60 डिग्री से घट के कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो यार इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, ये पूरा कोण, ये वाला कोण तो है हमारे पास 60 डिग्री का और ये वाला है 30 डिग्री का, तो पूरा कोण जो है वो 60 डिग्री का। अब ये होगी हमारे पास गुब्बारे की दूसरी स्थिति, कब, जब कोण है हमारे पास
30 डिग्री का हुआ। अब देखो क्या कहा उसने, उसने कहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे अगर हम इसको देखें, इसको नीचे ले आए, यहां पे एक स्थिति तो यह होगी गुब्बारा इस लड़की से इतनी दूर था। अब अगली स्थिति के लिए अगर हम देखें तो अब वो गुब्बारा लड़की से इतनी दूर हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो गुब्बारा पहले इसके यहां पे था, अब यहां पे यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी या फिर इसके और इसके बीच की दूरी, ये दूरी या ये दूरी हमें निकालनी है। तो हम ये दूरी निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है। तो ये स्थिति हमें प्राप्त हुई है। जैसा कि बुक में देखें तो बुक में आपके पास ये चित्र है आपके पास, तो उसी को हमने यहाँ पे रफ प्लॉट कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। अब आप देखें हमारे पास हम इसको मिला देते हैं, इस तरह से मिला दिया, ए बी गुब्बारे की पहली स्थिति के लिए सी, यहां पे हम लिख लेते हैं डी, यहां पे हम लिख लेते हैं ई, एफ जी और एच। हमें यह निकालना कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की गई। तो गुब्बारे ने दूरी तय की गई है यहां से यहां पहुंचा है तो ये दूरी तय की है, तो हमें ई एच का मान निकालना है। अब देखो हम यहां से यहां तक अगर x मान ले और यहां से यहां तक हम y मान ले तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। एक तो ये बात हो गई हमारे पास, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। अब ये x है तो ये भी x है, ये AD, ये वाई है तो ये भी वाई है, कौन डी जी, ये हमारे पास ठीक है। अब ये हमारे पास 1.2 है तो जो जी एच है ये भी हमारे पास 1.2 मीटर होगा, और ये जो टोटल है, ये जो हमारे पास टोटल है वो कितनी है 88.2। हमारे पास जो एफ एच है, जो हमारे पास एफ एच है वो 88.2 मीटर है, एफ एच हमारे पास 88.2 मीटर है, और जो जी एच है, जी एच वो 1.2 मीटर है। तो एफ जी कितना होगा, एफ जी 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये 87 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहां से यहां तक कितना हो गया 87 मीटर, और ये टोटल कितना है, ये हमारे पास टोटल कितना है 88.2 मीटर, ये हमने लिख लिया। अब इसके लिए हमें सोल्व करना है प्यारे बच्चों। अब अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमें यह देखना कि कौन कौन सी दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसमें यूज होते हैं। एक तो देखो ये कौन सी समकोण त्रिभुज ए सी डी में या एडीसी में, एडीसी में एडीसी में कोण हमारा 60 डिग्री का, इसमें ध्यान रखेंगे तो लंब है हमारे पास सीडी, सीडी आधार है हमारे पास एडी, टेंजेंट थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। सीडी का मान देखो, सीडी ये रहा 87 मीटर, एडी एक्स ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 3, आर पार गुणा कर देंगे तो x वर्गमूल 3 बराबर है 87
या एक्स बराबर है 87/3, जो भी यूज करना होगा यूज कर लेंगे, हम लिख देते हैं कि 87/3। तो ये एक्स का मान आ गया। हमें निकालना है कि गुब्बारे में कितनी दूरी तय की गई, यानी कि EH निकालना है हमें, यानी कि वाई का मान निकालना है हमारे हमने तो। यहां मानना चाहो तो मान सकते हो कि माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर है वाई मीटर, तो हमें तो वाई का मान निकालना है। दूसरी समकोण त्रिभुज क्या है, कौन सी यूज होगी समकोण त्रिभुज दूसरी, एक तो ये यूज कर ली हमने, एक हमारे पास ये नहीं पूरी, ये वाली कौन सी AGF में। अब की बार हमारे पास जो कोण है वो 30 डिग्री का है, लंब है हमारा FG, आधार है हमारा AG, टेंजेंट थीटा है हमारा 30 डिग्री, FG वही 87 मीटर, AG A से लेके G तक टोटल कितना है, ये x प्लस वाई बराबर है 1/√3। आर पार गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर है 87√3। एक्स का मान रख दिया 87/√3 प्लस वाई बराबर है 87√3, वाई बराबर है 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम ले लेते हैं, √3 ये हो जाएगा 87√3 गुना में √3 माइनस 87, तो वाई बराबर है, देखो √3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये देखो हमारे पास 87 बन जाएंगे, या फिर 87 × 3 लिख लो, फिर 87 कॉमन आ जाएगा, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी कर सकते हो। यहां से इसको हमने लिख दिया 87 × 3 से गुणा करेंगे 7 × 21 का 1 × 2, 3 से करें 3 × 7 = 21, 1 × 2 3 × 8 = 24 और 2 = 26 माइनस 87/√3, वाई बराबर है 11 × 7 = 4, 15 × 8 = 7 और 1/√3, लेकिन इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे हम, √3 और √3 कर देंगे। यहां पे हमारे पास आ गया 174√3/, ये 3 हो जाएगा, 3 पे कैंसिल कर लो, 3 × 3 3 × 15 2 × 3 = 24, तो वाई का मान आ गया हमारे पास 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी, ये आ गई हमारे पास 58√3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। जब आप इसको शुरू में करेंगे तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है इसको कि यहां पे कि बेस से स्टार्ट नहीं करना हमें, क्योंकि लड़की की आंख तो यहां ऊपर है, तो जब भी कौन बनेगा आंख से दृष्टि रेखा के साथ बनेगा अक्षतिज स्तर का, तो यानी कि ये जो 1.2 मीटर है इससे ऊपर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो यूज हो रही है, यानी कि हमारा जो लंब है वो 82.2 की बजाय 87 मीटर यूज हो रहा है, बाकी सारा काम वही है, बाकी ऐसी कोई नई बात नहीं है जो पहले नहीं आई है, पूरा पहले भी हमने इस तरह के कई क्वेश्चन इसमें सोल्व किए। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां से आपको कुछ पार्ट नजर नहीं आया होगा तो आप इसको देख सकते हैं।
अगर इसको रिपीट करें हम, तो इसमें क्या था हमारे पास, 1.2 मीटर लंबी लड़की थी और गुब्बारे की स्थिति कितनी थी, 88.2 मीटर, और उसकी आंख से गुब्बारे का जो कोण था, उन्नयन कोण था जो हमारे पास, पहले वो 60 डिग्री था, फिर वो 30 डिग्री हो गया। तो इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहां से यहां तक, या फिर इसके नीचे आ गए हम, यहां से यहां तक निकालना था हमें। हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो टोटल x प्लस वाई हो गया। ये 1.2 है तो इसकी सीट पे ये भी 1.2 है, तो टोटल ये 88.2 है, तो 88.2 में से 1.2 निकाल दे तो ये हमारे पास 87 मीटर बच गया। तो एक तो ट्रायंगल हमने ये यूज कर ली और एक ट्रायंगल हमने ये पूरी यूज कर ली, पहले वाले ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास सोल्व करने के बाद वाई का मान आ गया 58.3 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14।